हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। में मैं हूँ आपका अपना राजभराज आपके सामने है GS 310। और इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो देख सकते हैं आप, पहले लगा देगा इसके अंदर वाइजर जो कि आपको मिलता है स्मोक कलर का। इसमें वैसे ट्रांसपेरेंट भी आता है बट ये स्मोक टेप करके कर दिया गया है इसका कौन सा स्मोक कलर। और साथ में इसमें लगा दिया GPS माउंट जो देख सकते हो आप। ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाला जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसकी जो माउंटिंग मिलती है ड्यूल माउंटिंग, एक मिलती है आपको फ्रंट की तरफ और एक मिलता है बैक साइड की तरफ, जिससे जो इसकी वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है ये वाला GPS माउंट। और साथ में इसमें लगा देगा बोबो का ओरिजिनल, देख सकते हैं बोबो का ही ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जिसे लगाने के बाद एक कंफर्ट राइड कर सकते हो अपना GPS ऑन करने के बाद। और इसकी मिलती है पूरी आपको एक साल की गारंटी। और बोबो के बहुत सारे वेराइटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे वायरलेस हो, नॉन वायरलेस हो, चार्जिंग हो, नॉन चार्जिंग हो। और आपको पता है कि बोबो एक ऐसा ब्रांड है जो सभी मोबाइल होल्डर से हटके है, डिफरेंट है और इतना अच्छा है ना कि एक बार लगा लो कभी ख़राब भी नहीं होता। गारंटी से एक साल जरूरत है भाई, लाइफ टाइम वाला है जो इसमें लगाया गया है। और अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हैंड गार्ड जो कि मिलता है आपको बर्ग बस्टर के वाइट कलर के। गाड़ी का जो कलर है वो वाइट ब्लू है, तो उसी चक्कर में इसमें लगा दें हमने वाइट वाला। और साथ में मिलती है लाइटिंग, देख सकते हैं चाबी ऑन करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलती है ब्लू कलर की लाइटिंग। और उसके बाद अगर इंडिकेटर चलाते हैं तो आपको मिलता है इसके अंदर हार्ले स्टाइल वाला, देख सकते हो ये आपका इंडिकेटर जो कि आपको मिलता है। इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और साथ में ना इसे लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूँ आपको क्या होता है कि जब भी हम इसके जैसे चल राइड करते हो कि हल्की सी भी गाड़ी गिरती है कहीं पर लगती है ना, तो आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से सेफ, चाहे किसी भी तरीके के आपके इसके अंदर आप ग्लव्स पहनो ना पहनो, बिना ग्लव्स भी आप सेफ फील करोगे इसे लगने के बाद। और वाइट कलर का कलर आप इसमें कोई भी ले सकते हो जो आपको चाहिए। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि इसके अंदर लगा देगा, देख सकते हो GS 310 फिटिंग के साथ आपको स्टेनलेस स्टील वाला मिल जाता है। ये इसे लगाने के बाद आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से, तो जब भी आप राइड करते हो ना तो एडवेंचर बाइक में आपको पता ही है राइड करते हुए कोई भी पत्थर वगैरह इसमें लग सकता है, उसे लगने के बाद आपका रेडिएटर डैमेज होगा ही होगा, तो उससे बचाता है पूरी तरीके से। आप रेडिएटर जो कि स्टेनलेस स्टील है, आप चाहते हो ना लोहे वाले भी ले सकते हो, बट ये क्या है ये आपका हैवी क्वालिटी जो कि मिलता है आपको MSS के अंदर स्टेनलेस स्टील। इधर आपको मिलता है देखने को क्रैश गार्ड जो कि आप देख सकते हैं फुल बॉडी क्रैश गार्ड, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है जो कि मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला सिंगल पीस वाला होता है आपका। ये देख सकते हो इधर भी सेम मिलेगा आपको, उस तरह लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसे लगने के बाद। और इसे लगाने के बाद ना आपकी बाइक होता है पूरी तरीके से, क्योंकि जो बाइक का जो जितने पार्ट होता है ना ये होता है आपका सारा फाइबर का पार्ट। और इसे लगने के बाद तो गाड़ी आपकी गिरती है तो आपको पूरा सेफ फील होगा, खुद को भी, खुद के लैग्जेस सेफ होंगे, साथ में वाइजर टैंक ये भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ। लुक चेकआउट कर लो, फिटमेंट देख लो किस तरीके से आती है ऊपर से नीचे। और ये मिलता है पूरा वन पीस मिलता है आपको ऊपर से नीचे तक। अमूमन क्या होता है लोग क्या करते हैं, लगा तो देते हैं बट वो लगाते हैं सिर्फ शॉर्ट चोर साइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का होता है और यहाँ पर जो पार्ट होता है वो अलग होता है, बट ये आपका सिंगल पीस वाला जो कि आप देखने मिलता है इधर और इधर भी। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ उसके अंदर साइशन जैकेट, देख सकते हो ये इसकी साइशन जैकेट है जो उसे लगा दी BMW ब्रांड की। और ये भी मिलती है आपको स्टेनलेस स्टील वाली, इसे लगाने के बाद आपका स्टैंड एक तो स्टेबल खड़ी रहेगी आपकी बाइक, और स्टेबल के साथ साथ आपका स्टैंड भी घिसेगा बिल्कुल भी नहीं। और साथ में इसमें देख सकते हो ये लगा देंगे थाई पैड दोनों तरफ, टैंक पैड और ये आपका ऊपर का ढक्कन का कवर ये भी इसके अंदर लगा दिया गया, पूरा इसका टैंक हो जाता है इससे सेफ, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो तो आपका जो फ्रंट का बेल्ट का बक्कल होता है ना वो यहाँ पर टच होता ही होता है, और उसे टच होने के स्क्रैचेस आते हैं। वैसे लैमशन कर रखी है पूरी बाइक बट फिर भी सेफ हो जाती है पूरी बाइक, अगर लैमशन कर भी रखी है तो भी लैमशन भी नहीं पटेगी आपकी और आपका टैंक भी होता है पूरी तरीके से सेफ। देख सो GS 310 ब्रांडिंग मिलेगी आपको इसके अंदर, देख सकते हो जो कि प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग का मिलता है आपको इसके अंदर, इधर भी पूरा मिलता है आपको जेन्युइन तरीके से। और साथ में इसमें एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, देखिए बैक साइड में मिलता है इसमें टायर हैगर जो कि लगा देगा BMW की ब्रांडिंग वाला आपको मिल जाता है टायर हैगर, ये है इसका प्रॉपर फिटमेंट वाला, इसमें कोई जुगाड़ नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है जो कि इसके अंदर कर दे इसे लगाने के बाद ना जो अगर डस्ट वगैरह जाती है उसको करता है पूरी तरह से कंट्रोल, क्योंकि ये है इसका टायर हैगर। बाइक की मॉडल देख ही लिया आपने, कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और अब मैं लाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक्स है उनको कैसा लगा और साथ में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको भी कैसा लगा, तो आइए सर। हाँ जी भाई, बस देखो सच बताऊँ, पहली बात तो राजू भाई से मिलकर हमको बहुत मज़ा आया, ठीक है, दूसरी बात काम भी बहुत अच्छा किया, जेन्युइन काम किया। आप सारे भाइयों यहाँ पर ज़रूर आओ, ठीक है, ये करोल बाग में मार्केट है आप भी जानते हो, आप सबको पता ही है, हमें कोई इतना बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बताओ यार कैसी लगी? काम हो गया भाई, एक नंबर काम हो गया, बाकी जैसे जैसे अपना बजट बनेगा बाकी और भी काम कराने आएंगे साथ में, सब आएंगे। और भाई तुम्हें कैसा लगा? भाई काम बहुत अच्छा लगा,
और हम चाहते हैं कि कोई भाई आए यहाँ पर विजिट करे। यो भी मोटो ब्लॉगर है गाइस, भाई ये एक नंबर काम किया भाई, बाइक ने यार, बाइक में भाई ने यार, अपनी भी केटीएम में भाई देखते हैं भाई, 10 या 15 दिन में भाई अपना एक दोस्त लगवाने आएंगे, भाई से लगवा लेंगे सबके सामने भाई, कोई दिक्कत नहीं। और भाई हमारे भाई है ना, बड़ा सा चैनल है भैया, मुझे पता नहीं रहे, फाइनली मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि भैया के चैनल का नाम क्या है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको जल्दी से, भैया का गोल्ड नहीं डायमंड बटन लाना है, सब आएगा। बताइए चैनल का नाम तो बताओ, जब भी तो आएगा अमन टोपी व्लॉग्स करके मेरा चैनल है। अच्छा, और दूसरी बात एक बार पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप हमारे नाम से कहीं और गए किसी चीज को जानवर, हम अभी चोपड़ा यहाँ पे गए थे, वो भी बहुत अच्छा नाम है, वहाँ पे गए हमने जैकेट लिया, हेलमेट लिया, जैकेट ली थी भाई का नाम लिया भाई, सबसे बनता थे ना भाई, कहते ही डिस्काउंट मिल गया। तो आप समझो कि इनकी भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है यहाँ पे सबसे, तो प्यार प्रेम वाले इंसानों का ही चीजें चलती है, नाम चलता है राजू भाई, और अभी भाई यहाँ दिल्ली से आसपास से जो प्यार प्रेम से आता है ना भाई, उसके लिए सारी चीजें चलती हैं, तो प्यार प्रेम बांटो जितना बांट सको, प्यार प्रेम से ही सारी चीजें चलती हैं, पैसा दो कम हो ज्यादा हो इट डजंट मैटर, सही बात है, प्यार प्रेम से सारी चीजें चलती हैं। और कोई भाई बंधु आना हमारा तारे सारे आएंगे हमारे यहाँ पे तो ज्यादा बुलेट है, बुलेट लेके आएंगे। बाकी भाई मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरी जो शॉप है ना, पिछले 3 से 4 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, और बाकी मैं कुछ कहना चाहूंगा नहीं, आप लोग सब मुझे जानते हो, पहले मैंने इन्फ्लुएंसर रखा हुआ था, मेरी वीडियो बनाता था, बट मैं उसे हटा चुका हूँ, लास्ट सिक्स मंथ से मैं अपने चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मिलता है आपको राजू भाई एसकेडी के नाम से। तो कृपया जब भी आए ना, मैं बोर्ड पे जो नाम है वो चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी नाम की वजह से, क्योंकि उस नाम से क्या है काम हो रहा था गलत, और उस गलत काम की वजह से मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई गलत हो, तो इसीलिए मेरी जो शॉप का जो अब नाम मैंने रखा हुआ है वो रखा राजू भाई के नाम, तो कृपया जब भी बोर्ड देख करें ना, राजू भाई का बोर्ड देख कराएँ, तभी आपको जनमन काम और जनमन बटन मिला, वरना तो भैया बाकी सब कटते हैं, आप भी कट सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर चढ़ते बंदे पे ना दुनिया पीछे पीछे बहुत बोलती है, पर वो जब तक बोलती है, जब तक उसको लगता है कि क्या है, मुंह पे कोई नहीं बोल सकता, तो बस आप करते रहो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो भाई, कहने की बात नहीं है, काम बहुत बढ़िया है, जन्म बना सारे आओ। चलो जी, राम राम भाई, राम राम, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।